जय कृपालु। ये योग अभ्यास चक्रों के शक्तिकरण के लिए है। इसमें क्रम से हम सातों चक्रों को सक्रिय करेंगे, जो हमारी ऊर्जा को आत्महित के लिए उपयोगी बनाती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में चक्रों के माध्यम से फैलती है। जब चक्र सशक्त होते हैं तो सहजता से ऊर्जा को अपने में समा सकते हैं। SRM दिल्ली का ये चक्र योग अभ्यास हमें स्वराज क्रिया तथा अन्य साधनाओं के लिए भी तैयार करता है। अभ्यास का आरंभ करने से पहले कुछ आवश्यक सूचनाएं। 1. अभ्यास प्रातः काल में खाली पेट अथवा भोजन के 3 घंटे बाद कर सकते हैं। 2. आसन उतने ही करें जिसमें शरीर को सुविधा रहे। 3. यदि कोई आसन आपसे नहीं होता तो आंखें बंद करके अपनी श्वासोश्वास को देखें। 4. जहां संभव हो वहां आंखें बंद रखें। 5. योग अभ्यास के समय मन में प्रसन्नता का भाव रखें, क्योंकि हम शरीर में रहे शक्ति केंद्रों को सक्रिय करने जा रहे हैं। 6. चक्र योग के इस अभ्यास को सप्ताह में 3 बार से ज्यादा ना करें। अब चक्र योग अभ्यास को आरंभ करते हुए मां आदिशक्ति को नमस्कार करते हैं। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै यनोपदिष्ठ हत योग विद्या विभ्राजते प्रणोत्तराज योगम आरोढुम इच्छोर अधिरोहिणी। कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। टांगे सीधी करें, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट पैर को आगे की ओर दबाएं, राइट को पीछे की ओर, फिर राइट आगे लेफ्ट पीछे, हाथों से घुटने दबाकर रखें। 1 by 1 स्वतः ही करते जाएं, थोड़ा गति के साथ। वापस पांव को ढीला छोड़ें। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ घुटनों पर, मिले हुए एड़ी पंजे लेफ्ट टू राइट 5 बार सर्कल में घुमाएं। क्रम पूर्ण करते हुए 5 बार राइट टू लेफ्ट सर्कल में। वापस पाम को ढीला छोड़ें। एड़ी पंजे मिलाएं, टांगे मोड़े, पाम के तलवे मिलाएं, हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करते हुए पाम को पकड़ते हुए एड़ियां अंदर की ओर करें, घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएं, स्पाइन को सीधा करें। जहां तक हो सके पृथ्वी की ओर दबाकर रोकें। पुनः ऊपर नीचे करते हुए पृथ्वी की ओर दबाकर रोकें।
धीरे से वापस टांगे सीधे करें, पांव को ढीला छोड़ें, हाथ शरीर के पीछे, एड़ी पंजे मिलाएं, सुखासन में बैठें, हाथ घुटनों पर बुझाएं, सामने की ओर ताने, हथेलियां पृथ्वी की ओर, हाथों की उंगलियां पूरी तरह से फैला दें, अंगूठा उंगलियों के बीच रखते हुए हाथों की मुट्ठी बनाएं, खोलें, बंद करें, 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 हाथ घुटनों पर, पुनः बुझाएं सामने की ओर ताने, अंगूठा उंगलियों के बीच हाथों की मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी को सर्कल में घुमाएं 5 बार, 5 बार रिवर्स डायरेक्शन में, वापस हाथ घुटनों पर। अब श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर की ओर करते हुए कानों के साथ लगाएं, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, ऊपर 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 नीचे, विश्राम ले। नेत्र बंद, अब गर्दन की कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। यदि गर्दन में दर्द हो तो गर्दन को आगे की ओर ना झुकाएं, स्वस्थान पर लाकर रोकें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे की ओर मोड़े, श्वास निकालते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास निकालते हुए आगे, भरते हुए पीछे, निकालते हुए आगे, गर्दन स्वस्थान पर, श्वास भरें, श्वास निकालते हुए लेफ्ट कान, लेफ्ट कंधे की ओर, कंधे नीचे की ओर खींचें, श्वास भरते हुए वापस, निकालते हुए राइट कान, राइट कंधे की ओर, भरते हुए वापस, लेफ्ट कान, लेफ्ट कंधे की ओर, भरते हुए वापस, निकालते हुए राइट कान, राइट कंधे की ओर, भरते हुए वापस, निकालते हुए लेफ्ट कान, लेफ्ट कंधे की ओर, भरते हुए वापस, निकालते हुए राइट कान, राइट कंधे की ओर, श्वास भरते हुए गर्दन स्वस्थान पर, पुनः श्वास भरें, श्वास निकालते हुए गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट साइड घुमाएं, यथाशक्ति ठोड़ी कंधे की सीध में लाने का प्रयास करें, श्वास भरते हुए वापस, निकालते हुए गर्दन को राइट साइड घुमाएं, श्वास भरते हुए वापस, निकालते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए
वापस निकालते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए गर्दन स्व स्थान पर। अब गर्दन को सर्कल में घुमाएंगे, पहले गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, तीन बार राइट टू लेफ्ट सर्कल में और तीन बार लेफ्ट टू राइट। क्रम पूर्ण करने के उपरांत गर्दन स्व स्थान पर लाकर रोके, टांगे सीधी करते हुए विश्राम ले, पैरों में फासला, पंजे ढीले, हाथ शरीर के पीछे, नेत्र बंद, शरीर ढीला। अब हम मूलाधार चक्र को प्रभावित करने वाला आसन गोमुखासन का अभ्यास करेंगे। मूलाधार चक्र प्रभाव में आने से भय और बात बात पर संदेह करने की वृत्ति टूटती है, व्यर्थता का बोध प्रगाढ़ होता है, वासना वृत्ति शांत होती है। मूलाधार चक्र के संतुलित होने से हमारे व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस आता है। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ घुटनों पर, गोमुखासन, लेफ्ट टांग मोड़ते हुए राइट घुटने के नीचे से निकालते हुए एड़ी हिप के पास ले जाएं, राइट टांग इस प्रकार मोड़ें कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए और एड़ी हिप के पास चली जाए, लेफ्ट हाथ घुटने पर, राइट हाथ उसके ऊपर। श्वास भरते हुए राइट हाथ ऊपर से, लेफ्ट हाथ नीचे से कमर पर लाते हुए उंगलियों को आपस में गूंथ लें, कंधे से कोहनी तक का भाग सीधा, कान के साथ सटा हुआ। श्वास सामान्य, ध्यान रीढ़ के अंतिम छोर पर स्थित मूलाधार चक्र पर। धीरे धीरे वापस हाथ घुटनों पर, टांगे सीधी करें। अब राइट टांग मोड़, लेफ्ट घुटने के नीचे से निकालते हुए एड़ी हिप के पास ले जाएं, लेफ्ट टांग इस प्रकार मोड़ें कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए और एड़ी हिप के पास चली जाए, राइट हाथ घुटने पर, लेफ्ट हाथ उसके ऊपर। श्वास भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर से और राइट हाथ नीचे से पीठ पर लाते हुए उंगलियों को आपस में गूंथ ले, कंधे से कोहनी तक का भाग धीरे धीरे सीधा, कान के साथ सटा हुआ। श्वास सामान्य, ध्यान मूलाधार चक्र पर।
धीरे धीरे वापस हाथ घुटनों पर मूलाधार चक्र की सक्रियता से हमारे निष्कासन अंगों से संबंधित सभी ऑर्गन्स स्वस्थ होते हैं। टांगे सीधी करते हुए विश्राम, पैरों में फासला, पंजे ढीले, हाथ शरीर के पीछे, अब हम स्वाधिष्ठान चक्र को प्रभावित करने वाला आसन जानुशीरासन का अभ्यास करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र प्रभाव में आने से परिग्रह संज्ञा टूटती है, कुछ नया सर्जन करने का मन करता है, डलनेस दूर होती है, मन के अंदर क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी बढ़ती है। अपने जीवन के पैशन को पहचान कर अपनी जीवन ऊर्जा को उसी में लगाने का साहस आता है। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ घुटनों पर, राइट टांग मोड़, एड़ी थाई वाले भाग के साथ लगाएं, दोनों हाथ लेफ्ट घुटने पर रखते हुए स्पाइन को सीधा करें, भुजाएं सामने से तांते हुए सिर की ओर खींची हुई, कान के साथ सटी हुई, हथेलियां सामने, अंगूठा उंगलियां मिले, हाथ कलाई से सीधे, श्वास भरते हुए भुजाएं पीठ सहित ऊपर की ओर खींचें, श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते हुए पाम के अंगूठे को पकड़कर अपनी ओर खींचे, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए माथा घुटने की तरफ, यथाशक्ति झुकने के उपरांत श्वास सामान्य कर रुकें, ध्यान गुदा मूल से दो उंगल ऊपर, जननेन्द्रिय के पीछे रीढ़ पर स्थित स्वाधिष्ठान चक्र पर, श्वास भरते हुए भुजाएं पीठ सहित ऊपर की ओर खींचें, घुटना दबाएं, पंजा ताने, श्वास निकालते हुए बगल से भुजाएं नीचे की ओर लाएं, हाथ घुटने पर, पैर के साथ पैर मिलाएं, लेफ्ट टांग मोड़, एड़ी थाई वाले भाग पर पीछे से पीछे, राइट टांग सीधी, दोनों हाथ राइट घुटने पर, भुजाएं सामने से तानते हुए सिर की ओर खींची, कान के साथ सटी, हथेलियां सामने, अंगूठा उंगलियां मिले, हाथ कलाई से सीधे, श्वास भरते हुए भुजाएं पीठ सहित ऊपर की ओर खींचें, श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते हुए पाम के अंगूठे को पकड़े, धीरे धीरे अपनी ओर खींचे, श्वास निकालते हुए माथा घुटने की तरफ, श्वास सामान्य कर रुके, ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, श्वास भरते हुए भुजाएं पीठ सहित ऊपर की ओर खींचें,
घुटना दबाएं पंजा ताने, श्वास निकालते हुए बगल से भुजाएं तानते हुए नीचे की ओर लाएं, हाथ घुटने पर, स्वाधिष्ठान चक्र प्रभाव में आने से ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होने लगता है, पैरों में स्थित शाटिका नाड़ी प्रभाव में आती है, पैर के साथ पैर मिलाएं, विश्राम लें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ लेफ्ट साइड रखते हुए टांगे राइट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में, पाम के अंगूठे मिले, एड़ियां खुली, खुली एड़ियों के मध्य बैठे, आगे से घुटने मिले, हाथ घुटनों पर, अंगूठा उंगलियां मिले, कमर गर्दन सीधी, वज्रासन की इस स्थिरता में चंचल मन शांत होता है, हमारी आंतरिक शक्ति का विकास होता है, चक्र ध्यान साधना को आगे बढ़ाते हुए मणिपुर चक्र को प्रभावित करने वाला आसन मंडूकासन। मणिपुर चक्र सक्रिय होने से आहार संज्ञा टूटती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, लोभ वृत्ति टूटती है, ऊर्जा का भंडार मणिपुर चक्र जागृत होने से जीवन में प्रफुल्लता बनी रहती है, नई उमंग उत्साह जिंदा दिली व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। अंगूठा उंगलियों के बीच रखते हुए हाथों की मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी नाभि के आसपास स्थित कर दें, श्वास को पहले बाहर निकालें, पश्चात आनंद पूर्वक श्वास भरें, अधिकाधिक श्वास भर जाए, श्वास निकालते हुए ठोड़ी आगे की ओर करते हुए झुकते चले जाएं, गर्दन ऊपर की ओर उठाए रखें, श्वास सामान्य, ध्यान नाभि से दो उंगल ऊपर, पीछे रीढ़ पर स्थित मणिपुर चक्र पर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस लेफ्ट हाथ का कप बनाते हुए नाभि पर, उसके ऊपर राइट हाथ रखें, पुनः गहरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए ठोड़ी यानी चिन वाले भाग को आगे की ओर करते हुए झुकते चले जाएं, गर्दन ऊपर की ओर उठाए रखें, श्वास सामान्य, मणिपुर चक्र पर एकाग्रता को साधें,
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हाथ घुटनों पर, इस चक्र के जागृत होने से पेट संबंधी सभी विकार ठीक होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स प्रभाव में आने से भावनात्मक संतुलन बनता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र को सक्रिय करते हुए अनाहत चक्र को सक्रिय करने के लिए उष्ट्रासन का अभ्यास। इस चक्र की सक्रियता से साधक का कामना पूर्ण चित गिरता है और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अपने सद्गुरु की अलौकिक ऊर्जा को ग्रहण करने की पात्रता विकसित होती है। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटने और पांव में कंधों जितना फासला, पंजे खड़े हुए लेटे हुए नहीं, हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, उंगलियां आगे की ओर। श्वास भरते हुए कमर से पीछे की ओर झुकते हुए यथाशक्ति रीढ़ को मोड़े। संतुलन बनाने के लिए आंख खोलकर अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित अनाहत चक्र पर। एकाग्रता सदी रहे। लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पर, राइट हाथ राइट पैर पर। एकाग्रता अनाहत चक्र पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस वज्रासन में। इस चक्र के एक्टिवेट होने से रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम सशक्त बनते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आ जाए पेट के बल। शिथिलासन राइट साइड का, राइट कान पृथ्वी पर, राइट टांग सीधी, राइट भुजा शरीर के साथ, हथेली आकाश की ओर। लेफ्ट टांग मोड़, एड़ी राइट घुटने का स्पर्श करती हुई। लेफ्ट बाजू मोड़, हाथ मुख से कुछ दूरी पर। संपूर्ण शरीर शिथिल। चक्र ध्यान साधना करते हुए ज्यों ज्यों साधना में परिपक्वता आती है, साधक का मानसिक एकाग्रता का स्तर काफी ऊंचा हो जाता है। मौन रहने की कला विकसित होने लगती है। समर्पण का भाव उदय होता है। अपनी बात कहने का साहस आता है। विशुद्ध चक्र को प्रभावित करने वाला आसन भुजंगासन। एड़ी पुंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर,
भुजाएं मोड़ते हुए हाथ ठोड़ी के आसपास कंधों जितनी दूरी पर, कोनिया शरीर के साथ सटी हुई पृथ्वी पर टिकी हुई, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, लेटे हुए, खींचे हुए, गर्दन को अधिकाधिक मोड़े, श्वास भरते हुए नाभि तक धड़ ऊपर की ओर उठाएं, कोनिया स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा उठती हैं, श्वास सामान्य, ध्यान कंठ के पीछे रीढ़ पर स्थित विशुद्ध चक्र पर, इस चक्र के प्रभाव में आने से थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां और टॉन्सिल्स आदि के दोष ठीक होते हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे धड़ पृथ्वी पर, माथा पृथ्वी पर, श्वास सामान्य कर रुके। एक एक चक्र को सक्रिय करते हुए और आगे बढ़ते हुए मेरु मज्जा कोनियों का स्टैंड बनाते हुए, हथेलियों के बीच ठोड़ी यानी चिन वाले भाग को टिका दें, उंगलियां गाल पर, छाती वाले भाग को पृथ्वी के साथ लगाने के लिए बेबी स्टेप्स लेते हुए राइट कोनी को थोड़ा आगे, फिर लेफ्ट आगे, फिर राइट आगे, लेफ्ट आगे, राइट लेफ्ट। गहरे श्वास लें, गहरे श्वास छोड़ें। सर का निचला भाग लघु मस्तिष्क रीढ़ के साथ दबता हुआ, ऊर्जा का स्टोर हाउस मेरु मज्जा प्रभाव में आता हुआ, श्री गुरु कहते हैं मेरु मज्जा जितनी सशक्त होती है उतनी ही मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम में प्रवेश करती है और सभी चक्रों में प्रवाहित हो जाती है। पूरी एकाग्रता मेरु मज्जा पर बनाए रखें। अब धीरे से लेफ्ट कोनी को थोड़ा पीछे, फिर राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट वापस शिथिलासन लेफ्ट साइड का, लेफ्ट कान पृथ्वी पर, लेफ्ट टांग सीधी, लेफ्ट भुजा सीधी शरीर के साथ सटी हुई, हथेली आकाश की ओर, राइट टांग मोड़, एड़ी लेफ्ट घुटने का स्पर्श करती हुई, राइट भुजा मोड़, हाथ मुख से कुछ दूरी पर, संपूर्ण शरीर शिथिल, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट भुजा सिर की ओर सीधी करते हुए राइट साइड से करवट लेते हुए
आ जाएं पीठ के बल, शवासन। पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे ढीले, हाथ शरीर से थोड़ी दूर, हथेलियां ऊपर। पैरों से सिर तक, सिर से पैरों तक, पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। विश्राम की इस अवस्था में संपूर्ण ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। हम पूरी तरह से एनर्जाइज होते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, टांगे मोड़े, लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठे। एक एक चक्र को सक्रिय करते हुए और आगे बढ़ते हुए आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए पद्मासन लगाएं। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। पद्मासन में बैठने के अभ्यास को यदि बढ़ा दिया जाए तो जहां एक ओर शरीर में स्थिरता आती है, वहीं दूसरी ओर नर्वस सिस्टम पुष्ट होता है। एकाग्रता आईब्रोज के बीच आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र सक्रिय होने से जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। टेम्परेरी और परमानेंट यानी क्षणिक और शाश्वत के बीच निर्णय लेने की क्षमता आती है। इस चक्र की सक्रियता से व्यक्तित्व में आध्यात्मिक तेज दिखता है। एकाग्रता की इस प्रगाढ़ अवस्था में भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से जब सहस्त्रार चक्र सक्रिय होता है तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। परम शांति का अनुभव होता है। भ्रामरी प्राणायाम, श्वास भरना और भ्रमर समान मधुर गुंजन करते हुए
श्वास को बाहर निकालते हुए पेट का संकोचन करना। ये एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार पांच आवृत्तियां स्वतः ही करने के पश्चात हथेलियां घुटनों पर ले आए। अंगूठे कान के अंदर, पहली दो उंगलियां नेत्र बंद करते हुए पलकों पर, दो उंगलियां मुख के ऊपर नीचे, मेरुदंड सीधा। अभ्यास आरंभ करें। चक्र ध्यान साधना यहाँ पर संपन्न करते हुए दोनों हाथ जोड़ हृदय क्षेत्र के सामने लाएं। अब विधिवत तीन बार ओम ध्वनि और शांति का उच्चारण करें। दोनों हाथ जोड़ हृदय क्षेत्र के सामने लाएं और शुरू करें। दोनों हाथ रब करें। इस ऊर्जा को चेहरे पर फेरते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर लाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दें।